गुड आफ्टरनून क्लास, आई एम सिंगिता योर ड्राइंग टीचर। और आज मैं आपको पेंसिल सेविंग आर्ट करवा रही हूँ। जो हमारे पेंसिल के पील बच जाते हैं उनको हम आज इस्तेमाल करेंगे और एक अच्छा सा इमेज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसमें हम पेंसिल सेविंग का यूज़ करेंगे। पेंसिल सेविंग आर्ट कर रहे हैं और एक इमेज ड्रॉ करेंगे। और आपको मैं इमेज दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक इमेज है। हमें इसे इस वाले ड्राइंग की फाइल में पेज में बनाना है, ठीक है। और इसमें कैसे पेंसिल पील का यूज़ किया गया है, क्योंकि हमें वेस का यूज़ करके क्राफ्ट बनाना है ना, तो ऐसे ही हमें बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मटेरियल चाहिए, फेविकॉल और पेंसिल वेबिंग। मैं इनके, ये देखिए, मैंने पेंसिल पील करके पहले ही रैपिंग रखी हुई है। मेरे पास जब भी डस्ट होती है तो मैं इनको भी संभाल लेती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले एक इमेज ड्रॉ कर देते हैं कि कहाँ कहाँ तक हमें क्योंकि उससे बाहर नहीं ले जाएंगे, उससे बाहर ले जाएंगे तो फिर आउट ऑफ, ये देखिए, इतने इतने में हमने पेंसिल वेबिंग पेस्ट करनी है, ठीक है। ये देखिए, और उसके लिए फिर अभी जहाँ तक हम पेंसिल के वेबिंग का पेस्ट करते हैं, बाद में हम बच्चे को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब आप फेविकॉल का यूज़ करेंगे तब थोड़ा सा फ़ैन का यूज़, थोड़ा फ़ैन कर स्लो कर दीजिए, नहीं तो जितनी जल्दी आप इसको लगा रहे हैं उतनी जल्दी फ़ैन के उसमें जल्दी से सूख जाते हैं। तो एक एक करके आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से आपने इसको पेस्ट करना है। मैंने तो अलग अलग पेंसिल के सेविंग्स रखे हैं, अगर आपके पास एक ही पेंसिल के सेविंग हो तो आप उनको ज़्यादा सिक्योर बचा के रखना और उसको यूज़ कर सकते हो। एक एक करके आप इसको मैं किसी भी पील को वेस्ट नहीं करूँगी। देखो आराम से आपने क्या करना है, एक एक करके उसके ऊपर ध्यान रखेगी कि आपने पीछे वाले पील्स को आपने कवर करना है और थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए। जब कभी आपको लग रहा हो कि ये छोटा है तो आप किसी पेंसिल के बैक साइड से आप उसको क्या करेंगे, पेस्ट करें अपने हाथों से नहीं, क्योंकि एक तो आपके हाथों में फेविकॉल लगा होगा और जब आप उसको पेस्टिंग करेंगे ना तो वो आपके हाथ पे ही, जितना भी फेविकॉल का डस्ट होता है वो आपके हाथ पे रह जाएगा और वो ऊपर से जो इसमें पेंसिल पील आपने किए हैं वो सब उसमें डस्ट के रूप में दिखा हाथ में। देखो कितने फेविकॉल के उससे, तो ये ध्यान रखना आप जब भी वॉक करना बहुत सफाई से। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा इस साइड जब जाएंगे ना तो आपको उसी साइड को क्या करना है, एक के ऊपर जब देखिए एक एक को आप क्या करते रहेंगे उसके ऊपर
एक लेयर से बन रही है कुछ आपके, उसमें पेंसिल सेविंग के जो कलर्स है वो दिख रहे हैं आपको, ऊपर ही उसको शो करना है। काम करेंगे ना, ये देखो एक बार ऐसे रोलिंग भी कर सकते हैं ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए। ठीक है, अब जब हम लोग ऊपर से आएंगे ना तो ऊपर से ऊपर की तरफ से लेयर बनाते हुए आएंगे। देखिए मेरे पास छोटी छोटी पेंसिल्स पड़ी हुई हैं, मैं इनके पील इकट्ठा कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी और पील्स की आवश्यकता है। आप जब भी पेंसिल पील करें ध्यान रखेंगे नीचे कोई बॉक्स होना चाहिए ताकि आपका जो डस्टिंग जितना भी है आपको वो एक साथ कहीं बाहर न जाए। ध्यान रखना जब आप पेंसिल सेव कर रहे हो उसके बाद हैंड वॉश ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, आपके हाथ काले हो जाएंगे और उससे अब एक एक करके आपके हाथ आपने पेस्टिंग चालू कर देनी है। वैसे ये देख ले ऊपर से जब लेयर आ रही है तो एक दूसरे को कवर करते आ रही है। ठीक है, एक एक करके आप पेस्ट करते जाना, जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा और ज़रूरत है आप उसको बाद में भी पेस्ट कर सकते हो। ये देखिए ऊपर जाते हुए लहरों का बिल्कुल एकदम लग रही है ना। सारे में स्पेस होने के बाद आप क्या करेंगे, आपने लेना है वाटर कलर और आपने ब्रश से पानी को आपने थोड़ा सा फैलाना है। ठीक है, और लेना है आपने स्काई ब्लू कलर, हल्का और फुल्का सा आपने क्या करना है, हल्का से एकदम बिल्कुल एकदम थोड़ा हल्का शेड सा, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट, और थोड़ा सा ये देखिए आपने वाटर का सीन बना दिया पूरा अच्छे से। तो आप क्या करेंगे, आपने वो बेबी और उसके साथ स्लाइड। ठीक है, देखिए एक इमेज है और इस इमेज को मैं फाइनल कर देती हूँ।
और इसको पेंसिल कलर कर देते हैं। बन गया है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए इसे फेविकॉल लगाएंगे। मैंने किसी गत्ते पे बनाया पुराना रफ उस पर, और इसे फेविकॉल लगा के उसको इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है उसको, ठीक है। ऐसे ही आपको पेंसिल शेविंग आर्ट बनाना है। ये देखो,